तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो जो केस प्रकरण अधिनियम अध्ययन आधारित जो आपके क्वेश्चन है वो हरियाणा बोर्ड में आपकी बार 12 नंबर के आएंगे, मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से डायरेक्टली। और हमने एक एक ही आपकी वीडियो बना दी है, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। और आपके एग्जाम में यहाँ से इनमें से तीनों के तीनों क्वेश्चन 100% आने की हमारी पूरी गारंटी रहेगी। तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, ये पीछे रहेगा, जनशक्ति की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण भारत प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थान है। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है, मतलब कोई भी क्या कारखाना है उसमें टीवी सेट, ठीक है, उसका जो उत्पादन है प्रोडक्शन है वो क्या है कि निश्चित संख्या में समान रूप से बढ़ता है। मतलब इसमें 6वें वर्ष 16,000 सेट और 9वें वर्ष 22,660 का उत्पादन होता है, ठीक है। तो दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित के उत्तर देने हैं आपको। किस वर्ष में उत्पादन 29,200 रुपये हो गया। तो सबसे पहले हमें देखो 6ठा वर्ष या 9वां वर्ष, तो यहाँ से हमें ए और डी निकालना पड़ेगा, पहला पद और जो इनका अंतर है भाई कितना का अंतर है तब ये बन के जा रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें, ठीक है। तो हमें गिवन है वो देख लो, A6 दे रखा है, वो दे रखा है 16,000, इतने टीवी बनते हैं A6, मतलब A6 मतलब 6ठे वर्ष, A6 का मतलब क्या होगा 6ठे वर्ष, ठीक है। 9वें वर्ष कितने बनते हैं, A9 जिसको हम लिखेंगे वो बनते हैं 22,600, ठीक है। तो हमें क्या निकालें यहाँ से, ए और डी निकालें, कैसे निकालें, A6 को मैं लिख सकता हूँ क्या, A+ में 5D, ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा ये 16,000, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ क्या, A+ में 8D, इसको लिख सकता हूँ मैं 22,600, ठीक है, यही दे रखा है। अब ये बोल रखा है कि आपके पास यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये बोल सकते हैं कि हमसे ए और डी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये मान लेते हैं समीकरण एक हो गया आपके पास, ये समीकरण दो। अब ये कर देते हैं समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर तो A+ 8D ये दो है, कितना है 22,600। दूसरा क्या दे रखा है आपके पास, ये है A+ 5D, किसके बराबर है 16,000 के बराबर भाई, ठीक है। तो हम घटा देंगे, घटाने की बात हुई है, यहाँ पे किस प्लस का निशान है तो माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। तो ये तो कट गया आपको, कटा कैसे, ए में से जाएगा तो कितना बचेगा 0 ही बचेगा, 8D में से 5D जाएगा कितना बचेगा 3D, ठीक है। ये आपने अच्छे से कर लिए हैं, आयु 22,600 में से 16,000 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, ये 6 मतलब इतना बचेगा 6,600, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गुणा में है नीचे आएगा भाग में, ठीक है, बटे में 3, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 भाई, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2,200, ठीक है, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2,200। देन हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही निकालनी है तो रख दो यहाँ पे, लिख देंगे डी का मान समीकरण एक में रखने पर, कौन से में रख दो कोई दिक्कत नहीं, एक में रखो दो में रखो, ठीक है, कौन से में रख दो, तो रख दो यहाँ पे A+ 5D, कितना है डी आया बाईस सौ आ जाएगा यहाँ पे 2,200, ठीक है, ये 2,200 आ जाएगा यहाँ पे, ये 2,200 आ जाएगा, तो गुणा में 2,200 बराबर है 16,000, ठीक है, 16,000 है ना पहली इक्वेशन ये, तो रख दिया A+ में 2,250 कितना होता है 110, कितना होता है 110 और 2 0 ये बराबर है 16,000। हम तो A की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे 16,000 प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का 11,000, तो 16,000 में से 11,000 जाएगा कितना बचेगा 5,000, ये क्या आ गया आपके पास है? ये आ गया ए, ठीक है। मैं इसको रेड से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अब हम आगे निकालेंगे इसी बेस, ये थोड़ी इसी लेंथी वीडियो होगी, 15 मिनट के समथिंग बनेंगे। अभी तो हमने ए डी निकाला है, ठीक है, अब क्या निकालेंगे, चलो हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पे कि उत्पादन कितना हुआ 29,200 का हुआ, ठीक है, मतलब AN हो गया हमारे पास ये,
आपको मुझे एन, ये पहला पार्ट नहीं था सॉरी, वैसे हमने निकाला है पहला पार्ट, अब स्टार्ट हो गया। ये बोला था किस वर्ष में उत्पादन 29,200, मतलब पूरा उत्पादन पूछ लिया, मतलब भाई किस वर्ष में हुआ, ये नहीं पूरा नहीं पूछा, मतलब किस वर्ष में इतना हुआ, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट है ए एन होगा 29,200। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी, तो इसके लिए ए चाहिएगा, तो ए कितना है, अभी अभी निकाला है 5,000। ठीक है, डी कितना होगा, 2,200, रख देंगे यहाँ से, एन की वैल्यू आ जाए भाई, इतने इतने वर्ष में इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रखो ये कितना है, एन 29,200 बराबर है, ए कितना है 5,000 प्लस में एन माइनस वन, और डी कितना आपके पास 2,200, प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, 29,200 माइनस 5,000 बराबर है एन माइनस वन और 2,200। ठीक है, घटा दो इसमें से तो सीधा कितना बचेगा, 24,200 बचेगा ये। ठीक है, 24,200 एन माइनस वन और गुणा में ये हो जाएगा 2,200। अब ये गुणा में है, नीचे आएगा भाग में हो जाएगा, तो 24,200 ठीक है बराबर है एन माइनस वन और ये आ जाएगा भाग में कितना, 2,200, 2 0 से 2 0 कट गए। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गई, तो 22 से 22 एकम 22, फिर 2 बचा 22 एकम 22, तो 11 बराबर है एन माइनस वन, ये आ गया। तो हमें एन की वैल्यू चाहिए, तो एन माइनस वन किसके बराबर, 11 के बराबर, एन माइनस वन सॉरी बराबर है 11, ये माइनस का वन है उस साइड जाएगा प्लस का वन, तो एन बराबर किसका गया 12। तो 12वें वर्ष में क्या हो जाएगा उत्पादन, लिख देंगे 12वें वर्ष में उत्पादन कितना, 12वें वर्ष में उत्पादन कितना हो जाएगा, 29,200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, 8वें वर्ष के दौरान उत्पादन कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने, 8वें वर्ष के बाद पूछा है। अब इसे ये बोल अन दे दिया, अब की बार कितना 8। अब देखो यहाँ पे हमने अन निकालना था ये, और उत्पादन दे दिया था भाई, इतना उत्पादन हुआ था। अब ये पूरा अन 8वें वर्ष कितना उत्पादन हुआ, तो अन अब ए कितना दे रखा है 5,000। ठीक है, डी क्या दे रखा आपके पास 2,200, निकाल दो। हम जानते हैं कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, तो ए एन निकालना है, ए एन बराबर है 5,000 प्लस में एन कितना है 8 माइनस 1 और डी कितना है 2,200। ठीक है, तो 5,000 प्लस में 8 में से 1 7 गुणा में 22। ठीक है, तो 5,000 प्लस में 22 की करेंगे 154 और 2 0 भाई, जोड़ दो इसमें क्या आ जाएगा 19,400। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 5,000 15 सॉरी 15 और 5 ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 15 और 5 20, तो 20,400। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा दे रखा है भाई, पहले 3 वर्षों के दौरान उत्पादन ज्ञात कीजिए। पहले 3 वर्षों के उत्पादन याद करने हैं आपको, तीनों वर्ष के, तो जोड़ना आपको पहले 3 वर्षों के उत्पादन याद करने, जैसे पहले वर्ष का निकला है, पहले वर्ष का मान लो 5,000 निकला है, तो दूसरे का 10,000 निकला है, तो उनको जोड़ के इनको बताना है टोटल। तो तीसरा देख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, कितना देख लेते हैं तीसरा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ऐसा निकालेंगे उत्पादन तो ऐसे निकलेगा इनका सम, तो ए कितना है आपके पास 5,000, डी कितना आपके पास 2,200, वो तो सेम है ना सभी में। ठीक है, अन कितना है, अन तो दे रखा है कितना है 3 है, अन कितना है 3 है। अब असन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले याद होने चाहिए सबसे पहले, इसको फॉर्मूले चाहिए, हमारी ऐप एजुकेशन विलेज पे जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे 5 से लेकर +2 तक के फॉर्मूले। ठीक है, तो असन इक्वल क्या आ जाएगा, अन कितना है 3/2। ठीक है, 2 ए गुणा में 5 ए कितना है 5,000 प्लस में अन कितना है 3 माइनस 1 और डी कितना है 2,200। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3/2, 2 की 5 की गुणा करेंगे 10, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस में 3 में से 1 है तो 2, 2 की 2,200 करेंगे तो 4,400। ठीक है, अब
10,000 और 4,400 कितना हो गया, 14,400। ठीक है, कितना हो जाएगा 14,400 3/2 गुणा में ये हो जाएगा 14,400। ठीक है, 2 से काट दो, 7 पे ये 7200, 7200 की 3 की गुणा कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 21,600 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21,600 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा किसका, इनका 3 वर्षों का उत्पादन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसका जो अथवा में बच गया, आपको कौन सा भी कर सकते हो, 7वें वर्ष और चौथे वर्ष के दौरान उत्पादन का अंतर बताना आपको। ठीक है, अंतर कैसे करोगे, देखो 7वें और चौथे का क्या निकालो, आप अंतर निकालो, वो कैसे निकालेंगे, वो चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसका। ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि इनकी पीडीएफ भी मिलेगी तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ठीक है, रेड पेन से करके, तो क्या बोला था, 7वें और चौथे, देखो 3 पार्ट दे रखे, तीनों में से आपको, सॉरी 4 दे रखे, 4 में से आपको 3 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको तो ए 7वें वर्ष मतलब ए सेवन कैसे निकालेंगे, ए प्लस 6D, तो ए कितना है 5,000 है, प्लस में 6D कितना है 2,200 है। ठीक है, तो कर दो 5,000 प्लस में करेंगे 6×2=12, 132 ये हो गया, तो 13 और 5 18, तो 18×2 से तो इसका आ गया आपके पास। अब चौथे वर्ष का पूछ रखा है A4 को क्या लेंगे, A प्लस 3D लिखेंगे। ठीक है, तो A कितना है 5,000 आपके पास, प्लस में 3×D कितना है 2,200 है, तो 5,000 प्लस में 2,266 ये तो कितना होगा, 6×5=11, तो ये आपके पास कितना हो गया, कितने हो गए 11,600। ठीक है, तो ये तो अभी हमने A7 4/7 निकाला है, तो इनका अंतर पूछ रखा है, तो अंतर क्या करेंगे, घटा देंगे 18,200 में से हम क्या कर देंगे 11,600 घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो आपके पास 6,600 के समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, 6,600 के, वो आप देख लेना घटा के। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।